काफी ज्यादा खराब लग रहा है ये चीज, सुबह सुबह एक बैड न्यूज सुनना पड़ा यार। आंटी अब ये पकड़िए, इसमें दो एग रोल खा लीजिएगा, ठीक है? हैप्पी दिवाली बहन। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो निंजा स्टू का क्या हाल हुआ है, और आप देख सकते हो ये वो अंकल है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ। अंकल का देहांत वहीं पे हो गया, खराब लग रहा है गाइस। अंकल भी वहां का लोकल था। सो गाइज, आपको ऑलरेडी पता है कि परभजो सर के बारे में, ऑलरेडी सर का एक्सीडेंट हो चुका है यार, निंजा H2 का एक्सीडेंट हो चुका है यार। काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है ये चीज़, सुबह सुबह एक बैड न्यूज़ सुनना पड़ा यार। तो आई होप कि यार सर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा यार। और देखो यार, हम लोग तो इंडिया पे रहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ का रास्ता का कंडीशन तो आपको पता है, क्या इंडियन रास्ते का कंडीशन है, उसके ऊपर यार इंडिया पे जो लोग रहते हैं, ठीक है ना, वो लोग आपको इधर उधर आजू बाजू देखते नहीं, ऐसे रोड क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे पता नहीं कि किसका गलती था, सर का गलती था या फिर किसी और का गलती था, लेकिन यार खराब भी लग रहा है, एक इंसान का मौत हो गया वहाँ पे। देखो यार, मतलब जो गया तो गया, अभी यार इसके लिए तो खराब लग, तो अभी फिलहाल जो है तो हम लोग उसके लिए तो प्रे कर सकते हैं ना। तो फिर इतना प्रे करो कि यार सर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी से जल्दी सर फिर से ब्लॉग बनाए। और बस एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, जो लोग बेसिकली हेटर है, जो लोग बेसिकली अफवाह फैला रहे हैं सर के बारे में, कि यार सर के बारे में बहुत उल्टा सीधा, सिर्फ व्यूज़ के लिए सिर्फ उल्टा सीधा वीडियोज़ बना रहे हैं, तो उन लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार देखो, ऐसा मत किया करो यार, मतलब सब ठीक नहीं है गाइस, सब ठीक नहीं है। जितने भी सारे लोग मेरे ब्लॉग को अभी देख रहे हैं, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हैप्पी दिवाली गाइस। दिवाली आप लोगों ने शायद अच्छे से एंजॉय किया है और आगे भी करोगे, सो सबको हैप्पी दिवाली। भाई साहब देख लो यार, अभी देखो रेस चालू। जब पीछे लड़की हो ना यार, सब लोग ऐसे ही करते हैं, क्या कीड़ा लग जाता है कुछ पता नहीं गाइस। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ पार्क स्ट्रीट पे, और अभी देखो यार, मतलब डेकोरेशन देख रहे हो गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है अभी पार्क स्ट्रीट। और ऊपर देखो, वहाँ पे लिखा है, बंगाली में लिखा है, लेकिन लिखा है शुभ दीपावली, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है फ़िलहाल अभी, तो ऐसा क्रिसमस तक पूरा रहेगा। कितना खूबसूरत लगता है ना यहाँ पे आके राइड करना। तो भाई साहब अलग ही मौसम लग रहा है भाई आज। अरे बाप रे बाप, क्या चलाया भाई। और ये रोड इतना खूबसूरत और इतना साफ सुथरा रहता है सिर्फ इन लोगों की वजह से यार। हम लोग तो राइड करते हैं, घूमते हैं, लेकिन ये लोग सबसे मेन चीज करते हैं, इसको साफ रखते हैं यार। सच में यार हैट्स ऑफ, मैं खुद ताज्जुब हूँ यार, रात के टाइम पे ये जगह इतना खूबसूरत, कोई जगह मतलब इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है यार। देखो यहाँ से चालू रेस, ठीक है ना, क्या भाई तुमसे रेस नहीं करना है मुझे को। थैंक यू भाई, हैप्पी दिवाली। हाँ बुझा अच्छी ना একদম অনেকটা বাস আছে, ঘুরতে হোল নাইট ঘুরবো। হ্যাঁ আবার কি।
थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर द कॉन्टेंट। सो गाइज अभी फिलहाल बजे है रात को 12:13 और अभी यहाँ से सीधे जाने पे 12:07 आएगा, जहाँ पे दिवाली और काली पूजा दोनों बोल सकते हो यार, बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग। और वहाँ पे अभी बहुत सारा पूजा पंडाल देखने को मिलेगा, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होगा और मैं हर साल जाता भी हूँ वहाँ पे। तो यहाँ से स्ट्रेट है रास्ता, और तो मैं सोच रहा था कि यार 12:07 थोड़ा घूम के आऊँ। आपको यहाँ पे भीड़ देख के तो पता चल गया होगा कि मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ 12:07 पे। यहाँ पे जैम देख सकते हो, बाइकर्स देख सकते हो, इधर आ जाओ ना। अरे यार तो मैं रास्ते के साइड पे रुका था, अचानक से मैं देखा वो आंटी अचानक से गिर गया, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया वहाँ पे। तो मैं इंस्टेंटली वहाँ पे गया, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि वहाँ का जो लोकल लोग है और आंटी के साथ जो आंटी का रिलेटिव था, तो सारे लोग मिल के एक साथ में आंटी को हॉस्पिटल लेके गए। एक्चुअल में 12:07 में इतना पूजा होता है ना कि एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। हे बाप रे, सर बोल रहा हूँ कि आसपास कोई अच्छा पूजा बता सकते हो कहाँ पे है सर? मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, तो आसपास कहाँ पे अच्छा पूजा है सर? पूजा यहाँ पे है एक, तो यहाँ पे और बहुत सारे पूजा है, लेकिन यहाँ पे जाने बाइक, मतलब बाइक लेने के, बाइक कहाँ पे रखे सर फिर? ओह अच्छा, फिर जा सकते हैं ना। और इधर पे बस एक ही पूजा है ना? इधर एक ही है, इधर 4-5 है। ओके, एक काम करते हैं, बाइक को यहाँ पे रख देते हैं। बाप रे बाप, यहाँ पे तो भाई सच बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे बहुत सारा ये है झमेला है भाई यहाँ पे। हाँ कैमरा सारा कंट्रोल में। तो भाई ये 200 रुपीज़ जो है ये तो अपने काम में आ जाएगा फिर। बच्चा के नीचे ना आओ ना। आंटी अब ये पकड़िए, इसमें 2 एग रोल खा लीजिएगा, ठीक है? और ये लो बहन, ये रख लो, मैंने आपको देखा वहाँ पे जाते वक्त। हैप्पी दिवाली बहन। तो देखो यार, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब बस शो ऑफ करना नहीं था, एक्चुअली रियल लाइफ में भी और यूट्यूब में भी बहुत सारे भाई लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो यार उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। लोग रास्ते में कहीं भी जगह पे निकलते हो और आपको ऐसा कुछ अगर दिख जाता है, उस टाइम पे आपके पास जितना भी है यार, थोड़ा सा बहुत हेल्प कर देना यार। आप ये सोच सकते हो कि आपके पास 10 रुपीज़ है, लेकिन यार वही 10 रुपीज़ इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे पास फिलहाल जितना था उस टाइम पे, मैंने अपनी ओर से जितना कोशिश किया हेल्प करने का तो मैंने किया। तो उसके बाद मैंने जब उस बच्ची को हैप्पी दिवाली विश किया, उसके बाद उस बच्ची के मुँह में जो स्माइल था ना यार, उसके सामने तो वो पैसा कुछ भी नहीं था, मतलब फीका पड़ा था सब कुछ। बाप रे बाप, देखो यार विंटर सीजन चालू यार, फॉग जम चुका है मिरर्स पे और बाइक पे भी अच्छी तरह से यार, हैंडल पे देखो यार पूरा फॉग जम चुका है यार।
अभी बजा है गाइस सुबह का 4 और अभी मैं हूँ बिल्कुल एक्सप्रेसवे पे। सो अभी फिलहाल चाय पीने आया हूँ, थोड़ा यहाँ पे रुकते हैं यार, थोड़ा बैठते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे और फिर घर। आई थिंक 5 से या फिर 5:30 बजे के अंदर मैं घर पहुँच जाऊँगा। अभी फिलहाल यहाँ पे हूँ, मज़ा ले रहा हूँ यार चाय के ग्रुप का। सो गाइस अभी तो यार फ़ोन पे भी ज़्यादा चार्ज नहीं है तो व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।